गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुहाना। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सिचुएशंस बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है इंडिया की, हर जगह की, वर्ल्ड की ही आपके लिए। तो हम लोग तो जहाँ रहते हैं, यहाँ की भी, दिल्ली की भी, आपको पता ही है सिचुएशंस कितनी ज्यादा बिगड़ रही है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसी से रिलेटेड है। कोविड में काढ़ा आपको पता है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। हम कोशिश करते हैं कि घर पे क्वारंटाइन हो जाए या घर पे ही अपनी चीजों का ध्यान रखें। तो आपको पता है लास्ट वीक मेरी तबीयत कितनी खराब चल रही थी, गले में भी दर्द था, तो यही मैंने 5 डेज तक काढ़ा पिया था और मेरा गला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए काढ़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए मेरे किचन में और देखते हैं, और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पीने में भी हमें ज्यादा इसको तकलीफ नहीं होती, जैसे दवाई पीते हैं नॉर्मली हम पी सकते हैं, तो आप इस टाइप का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो आइए मेरे किचन में और देखते हैं मैं रेसिपी जो आपके लिए लाई हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। मेजरिंग के लिए मैंने एक बड़ा वाला मग ले लिया है, क्योंकि एक कप अगर हम पानी लेंगे तो उसका हाफ हमें काढ़ना है। जिसमें मैंने लिए ड्राई तुलसी, वन क्वार्टर स्मॉल वाली जो क्वार्टर स्पून्स होती है ना, वो भर की तुलसी। अगर फ्रेश है तो आप 5-6 पत्ते ले सकते हैं। ड्राई जिंजर का पाउडर, अदरक का, अगर ये नहीं है तो आप अदरक भी ले सकते हैं। गुड़ लिया है एक छोटा सा पीस, एक इलायची छोटी, 3 से 4 लौंग और 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची ली है और एक बहुत छोटा सा दालचीनी का पाउडर लिया है। तो हमारे काढ़े में यही सामान डलेगा, तो आइए काढ़ा बना लेते हैं। एक मैंने स्टील का बर्तन ले लिया है, फ्राई पैन, इसमें मैं सारा पानी डाल दूंगी, हमारा एक मग बड़ा वाला। फ्लेम में ऑन कर लूंगी और पानी को थोड़ा सा हम उबलने देंगे, उसके बाद अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए उबाल आ चुका है, अब हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और देखिए एक बड़ा मग है मेरे पास अराउंड 300 ml का, तो उसके लिए मैं ये वाले स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। आप ऐसे ही करना, वरना काढ़ा बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा और आपसे पिया नहीं जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबलने देंगे, मीडियम पे, क्योंकि इसके सारे फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद हम सर्व करेंगे। और ये जितना है उसका आधा हो जाना चाहिए, तो हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। लगभग इसको 15 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, और आपने देखिए निशान आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ तक था और ये पानी कितना कम हो गया है। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, तो अब इसको छान लेते हैं और फिर पीते हैं अपना काढ़ा। ये देखिए हमारा काढ़ा, ये कप देखिए और ये वाला कप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कप इस साइज का था और इतना मैंने इसको कम कर लिया है, लगभग हाफ। तो चलिए इसको पीते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम अपना बढ़ाते हैं। हे गाइस, तो आपको काढ़े की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो शहद डाल सकते हैं इसके अंदर, और क्वांटिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी टाइप का काढ़ा बना के पिया था और ये ठीक था, मतलब 5 दिन तक मैंने पिया था
तो काढ़ा आपको पता ही है कैसा होता है, मतलब ज्यादा ऐसे नहीं था, मिर्ची है या स्पाइसी है ज्यादा ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, ठीक था, पी लिया था मैंने, मेरा गला बिल्कुल ठीक हो चुका है। थोड़ा बहुत सा जो रहता है वो अप्स एंड डाउन चले जाते हैं, आपको पता ही है हवा भी ऐसे चलती है, बहुत ज्यादा स्किन रूखी हो रही है हर चीज है, तो उसी से रिलेटेड आने वाली वीडियोज भी आएंगी और अच्छी अच्छी वीडियोज में बनाने वाली हूँ। तो होपफुली आपको मेरी काढ़े की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।